हमारी मैनेजमेंट कई दिनों से सोच रही थी सावन महीने में सब मंदिरों में मालपुड़े का लंगर लगता है, भंडारा में चलता है, हमारे मंदिर में क्यों नहीं? क्योंकि स्वाद से हर महीने हम प्रोग्राम यहाँ मंदिर में कोई ना कोई हमारा चलता रहता है, वो सारा मैनेजमेंट के सहयोग से होता है। हम कंट्रीब्यूटरी पैसे करते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। जो हमारे पास पैसा कुछ चार पैसे जमा है उसको हम रिजर्व में रखते हैं कि उसको ना ही छेड़ा जाए तो अच्छा है, वो कंस्ट्रक्शन के काम आए या कहीं और मंदिर में हमारा कोई प्रगति होनी है उसमें काम आए। इसलिए हम हर महीने हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता है, हम हर महीने अपने मेम्बरों से 3500, 5000, 2100 रुपया लेते हैं। तो कभी कभी मेरे मन में एहसास होता है कि यार ये अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि बाहर लोग आते नहीं हैं, अपने मेंबरों से हम पैसे लेते हैं। तो इसलिए मैंने उसको पोस्टपोन करते जा रहा था। इतवार से कल मुझे गोपाल जी घर जाने का मौका मिला तो वहाँ बात चल पड़ी। तो उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं, हम लगवाएंगे, ये प्रोग्राम जरूर होना चाहिए, चलता रहना चाहिए प्रोग्राम। विदिन 15 मिनट्स ये प्रोग्राम बना और आज हमने, क्योंकि मंगलवार का दिन था, हमारे यहाँ कीर्तन होता है और बहुत से लोग यहाँ कीर्तन में शामिल होते हैं, हमने ये आज का दिन चुना। आज का नागपंचमी भी है, भगवान भोले का दिन है, तो 30
का भी फेस्टिवल साथ में जुड़ता है। सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा भी ठीक है, भगवान ने हमारे से चाहा, उसने ले लिया, तो हम उसके लिए बड़े हर्षोल्लास से आज ये प्रोग्राम मनाया। दूसरा, आज हमारे मंदिर के पंडित श्री अमित जी मिश्रा का जन्मदिन है, उस उपलक्ष में भी दिन मनता है। दूसरे हमारे नवर जी बैठे हैं, इनका भी अनऑफिशियली दो तरह का हमारा जन्मदिन चलता है, एक चलता है स्कूल का जन्मदिन, एक चलता है जो एक्चुअली हमारे टेबे के अनुसार हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो स्कूल के हिसाब से आज इनका जन्मदिन है, तो बधाई के पात्र तो ये बनते ही बनते हैं, इसलिए इनका भी आज हमने साथ लगते सेलिब्रेशन कर दी कि भाई इसी भंडारे में आपका नाम भी चलेगा। तो इन कामों से एक मैत्रीपूर्ण जो माहौल है वो बनता है, कोई सभा हो, कोई सोसाइटी हो, घर हो, बाहर हो, जहाँ भी आप ऐसे कलेक्टिवली प्रोग्राम करोगे तो वहाँ पे एक पारिवारिक माहौल जरूर बनता है। ये मैंने भगवान परशुराम जी की जय। आज एक बहुत ही विशेष दिन है नागपंचमी जी का, आज एक विशेष दिन है नागपंचमी जी का, भोलेनाथ का ये पर्व है, और मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि आज विशेष तौर पर, क्योंकि जो भक्तजन होते हैं सभी को ये पता नहीं होता है कि नागपंचमी वाले दिन जो है एक विशेष पूजा आराधना जो है की जाती है, जिनके ऊपर काल सर्प योग होता है तो उनके लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जैसे शिवरात्रि पर होती वैसे नागपंचमी के लिए। बहरहाल बड़े भाई साहब ने जो सारा इतना सारा जो है, आज उनकी पूरी टीम ने, हमारी मैनेजमेंट ने मेरे एक जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत ही उनकी शुभकामनाएं और उनका प्यार आशीर्वाद सभी का जो हमारे ऊपर रहा, मैं उनके लिए दिल की गहराइयों से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं ये बहुत ही विनम्रता से कहता हूं कि जो भी हमारे भाई साहब ने बोला है, हम हर तरह से तन मन धन से जैसे अभी तक लगे हुए हैं, आगे भी इस मंदिर के लिए हमेशा तत्पर हैं और हर तरह से तैयार हैं। और सभी को जो है एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव शरण कुमार, पैट्रन श्री ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड मोहाली। आज बहुत ही एक वधिया प्रोग्राम साढ़े गोपाल कृष्ण जी वालों ही किया गया, जिस दे विच मालपूड़े, खीर दा लंगर प्लस कीर्तन बहुत ही वधिया, एक बहुत अच्छे तरीके से किया गया। और अभी मैं आपको मतलब कि हमारे प्रधान जी हैं जो हमेशा एक अच्छी सोच के साथ और अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनका मोटिव सिर्फ यही है कि भगवान की सेवा, हमारे ब्राह्मण समाज की सेवा किस तरह से अच्छे तरीके से अच्छे वे से की जाए। क्योंकि सारी टीम, हमारी एक टीम जितने मेंबर हैं बहुत डेडिकेटली और दिल से हर कोई तैयार रहता है कि कब प्रधान जी का फ़ोन आए, सेवा के लिए हाजिर हों, और सारे तैयार रहते हैं इस काम के लिए।